बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया और लोगों की मदद से बच्चों को सकुशल बस से बाहर निकाल लिया। इस कारण एक बड़ा हादसा होने से बचा। लालकुआ क्षेत्र के मोटा हल्दू में बच्चों को स्कूल ले जा रही सैमफोल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस में अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आग लग गई। बस में अचानक धुआं देख ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। इस बीच आग ने भयंकर रूप ले लिया। वहीं लोगों की मदद से आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर पूरी तरह राख हो गई। बस में आग कैसे लगी इसके स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। वहीं सुबह सुबह इस घटना की खबर मिलने के बाद ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आज सुबह 7:30-8 बजे के बीच में सैमफोर्ड स्कूल की बस मोटा हल्दू को से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, जलती बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और अभी सभी बच्चे सुरक्षित हैं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।